कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया। इस अवसर पर पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण कार्यकाल आम लोगों के लिए समर्पित रहा। अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा जनता के लिए समर्पित रहे, जनता के लिए चिंतित रहे, जनता को हर प्रकार से कैसे सुख सुविधा मिले उसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के नए नए आयाम शुरू किए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक सेवक के रूप में अपने आप को एक मुख्य सेवक के रूप में जनता के बीच में जाकर के सुशासन देने का काम किया, आज मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है कि आज हम जहां एक और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, उसी दिन आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से कंप्यूटराइजेशन के द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किए गए, चाहे वो सारे केंद्रों का था, अंत्योदय केंद्रों का था, अंत्योदय सर्व केंद्र थे और सर्व पोर्टल जैसे ऐसे एक आधुनिक जो आयाम स्थापित किए गए उसके अंदर सर्व पोर्टल के ऊपर आज मैं समझता हूं कि कुरुक्षेत्र जिला को बधाई भी देना चाहता हूं कि गुण वर्धन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र जिला पूरे प्रदेश में नंबर एक आया है। मैं समझता हूं कि जिले के पूरे अधिकारी इसके लिए